यूपी के जनपद संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक 25,000 के इनामी शातिर बदमाश को धर दबोचा है। दरअसल सूचना पाकर पुलिस ने जब बदमाश का पीछा किया तो पुलिस से बचने के लिए बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि जनपद में अब अपराधियों की धरपकड़ के लिए जनपद की पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। इसी क्रम में आज एक शातिर अपराधी को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है? आज बैंक चेकिंग चल रहा था, पूरे जनपद में बैंक चेकिंग चल रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि एक नोटोरियस अपराधी है जो इधर की तरफ मूव कर रहा, बैजोई की तरफ, तो वहाँ पाठक चौकी के आसपास उसकी घेराबंदी की गई, जिसमें एक अपराधी जो पुलिस इंगेजमेंट हो गई अपराधी से और हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ है और उसी के साथ एक अपराधी भी घायल हुआ है। और प्रथम दृष्टया जब जानकारी की गई उसके बारे में तो उसका नाम चंद्रभान है और 25,000 का इनामिया है थाना बैजोई से, और उसके ऊपर लगभग अभी प्रथम दृष्टया 18 आपराधिक मुकदमे उसके पाए गए हैं जो लूट और हत्या आदि के मुकदमे हैं। बाकी उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है, कहाँ कहाँ से और भी वांछित था और कहाँ कहाँ से उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। उसका एक साथी मौके का फायदा उठा करके फरार हो गया है, जिसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था, उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।